और मैं हूं अहमद खोखर। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं विक्रम बत्रा की अनटोल्ड स्टोरी। जो ओरिजिनल विक्रम बत्रा है ना, उसकी स्टोरी बनाएंगे। तो फिर देखते हैं स्टोरी पर रिएक्शन बनाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या क्या होने वाले इसकी स्टोरी में। तो फिर रिएक्शन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोर हिंदी और मैं हूँ शालू बालिया। आज हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की ज़िंदगी के कुछ नए पहलुओं के बारे में। या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। ये शब्द है भारतीय सेना के शेरशाह कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के। यूँ तो 1999 में हुए कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के दिल मांगे मोर का नारा आप सभी ने सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उन्होंने लाखों की नौकरी ठुकरा कर भारतीय सेना को क्यों चुना? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। विक्रम का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर के बत्रा परिवार में हुआ। क्योंकि माँ पेशे से ही एक टीचर थी, इसलिए उन्होंने विक्रम को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब विक्रम स्कूल गए तो वहाँ भी वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर उभरे। वो हर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी बीच उनकी आंखों में एक सपना आकार लेने लगा। विक्रम के स्कूल के पास ही आर्मी का एक बेस कैंप था। विक्रम स्कूल आते जाते उस बेस कैंप में होने वाली गतिविधियों को देखते रहते थे। बड़े हुए तो वो चंडीगढ़ चले गए। वहाँ DAV कॉलेज से उन्होंने साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया और उन्हें रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास कर ली। उनका नियुक्ति पत्र भी आ चुका था। वो हांगकांग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन एन मोमेंट पे ही उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपनी लाखों की नौकरी ठुकरा दी। वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी दौरान उनके जीवन में एक और मोड़ आया। 1995 के आसपास का ही समय रहा होगा। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उनकी मुलाकात डिंपल से हुई। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। बात आगे बढ़ती इससे पहले ही दोनों के रिश्ते में जुदाई का मोड़ आ गया। अपने रिश्ते के एक साल बाद ही आर्मी में सिलेक्शन के चलते विक्रम को अपनी ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून जाना पड़ा। विक्रम की ट्रेनिंग पूरी हुई तो 6 दिसंबर 1997 को उन्हें जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात कर दिया गया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। महज 18 महीने की नौकरी के बाद उन्हें कारगिल युद्ध के लिए जाना पड़ा। वो बहादुरी से लड़े और उन्होंने सबसे पहले हम्प एंड रॉकी नाप पर भारत का झंडा फहराया। लड़ाई में बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते उन्हें कैप्टन बना दिया गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने श्रीनगर लेह के मार्ग पर ठीक ऊपर स्थित 5140 की चोटी से पाकिस्तानी को खदेड़ भगाया। जीत का कारवा यही नहीं रुका। 4875 की चोटी की ओर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मनों को ललकारा। मिशन लगभग पूरा हो चुका था। वो अपने घायल साथी को कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहे थे, तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी ने गोली से उन पर फायर कर दिया। वो गोली उनकी छाती में आकर लगी और विक्रम शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी के साथ आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए रोर हिंदी। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। यार बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया स्टोरी सुनकर। इतनी अलग क्वालिटी की स्टोरी थी यार। दुख हुआ जब एंड पे जब गोली लगी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तो मूवी देखी होगी, आप लोगों ने तो एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये मूवी देखी है, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखी। तो यार बहुत बहुत मज़ा आता है विक्रम बत्रा की स्टोरी सुनकर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। एंजॉय की से बात कर जब ये शहादत पाई इसने, शुरू पे एंजॉय एंड पे दुख हुआ। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट की ये गर्मी बहुत ज़्यादा देख ले पसीना। तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।